हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो, काहे की गुड मॉर्निंग, मनहूस मॉर्निंग बोलो। चल मेरी छोड़, तू अपनी सुना, मुझे क्या होगा, मैं जीऊं या मरूं किसे फर्क पड़ता है। वो तो सिर्फ बहाना ढूंढते हैं मुझे इंसल्ट करने का, और कुछ कहो तो गालियां सुनो, पीटो, मार खाओ। तंग आ गई हूं ऐसी जिंदगी से, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं रहूंगी, बहुत हो गया। अब मैं वो करने वाली हूं जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। इस कहानी को अब मैं खत्म करके ही रहूंगी। चल मैं तुझे बाद में फोन करती हूं, बाय। नमस्ते। ये तो देख, अरे गाड़िया, गाड़ी का टाइम चला है, चला मालाडी दे, मालाडी दे। ए रमेश, ये तू का मालाडी दे, उठला आठवा लोक चला, आठवा लोक चला।
ये पके ये ले तेरे डिब्बे ले चल लिख तो मेरा मैं भाऊ नमस्कार। हाँ काय भाऊ कसा है क्या डबे क्या हो साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? परेशान मैं हो गई हूँ। मैं पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई। अरे मैं भी उसी मनहूस घड़ी को टोक रहा हूँ। लाख मना किया था मेरे दोस्तों ने, मगर मैं ही था जो तुम्हारे प्यार में पड़ गया और भुगत रहा हूँ आज तक इसी चीज को। तो अब कौन सा डियर हो गई है? छोड़ दो मुझे, डिवोर्स दे दो मुझे। अगर डिवोर्स के नाम पे तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी हथिया लो। प्रॉपर्टी? मेरे घर का नौकर तुमसे ज्यादा अमीर है। अब और नहीं वरना? क्या वरना? क्या वरना? मारोगे? मारो मारो मारो। ज्यादा तुम कर भी क्या सकते हो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए? मेघा ओए संकेत चल आज खाना खा लेते। नहीं यार तुम लोग जाओ मैं बाद में कर लूंगा। अरे बंधु व्हाट हैपेंड यार एनी प्रॉब्लम्स? तो चलना यार क्या मुंह लटका के बैठा है। चल आजा चलते। प्लीज ट्राई डोंट लेट्स ट्राई। चलो यार चलो फाइन। यार तानिया फिश करी बहुत टेस्टी था। थैंक्स। संकेत होता तो वो भी एंजॉय करता, उसे बहुत पसंद है। यार उसका मूड ऑफ था, पता नहीं क्या हुआ होगा। सुबह शायद बीवी के साथ झगड़ा वगड़ा हुआ। अरे यार ये वाइफ्स भी ना किसने सची कहा है, वाइफ मींस वरीज इन्वेंटेड फॉरएवर। गाइस ये तो संकेत के केबिन से है। चलो तो
में से किसी ने भी बॉडी या किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया ना? नहीं सर, हम जैसे ही गिरने की आवाज सुनकर आए तो देखा संकेत जमीन पर गिरा पड़ा था। वो तो नीले पड़े हैं, नाखून भी नीले पड़ गए सर। फिर बाहर से शरीर पर कोई चोट के निशान या फिर खून के धब्बे भी नहीं है? नहीं सर, बस ये मुंह से झाग। लगता है मौत जहर खाने की वजह से हुई है। जिस तरह से टेबल पर ये लंच बॉक्स खुला है, उसके हाथ और मुंह पे खाना लगा है, ऐसा लगता है जो कुछ भी है वो इस खाने के जरिए इसके पेट में गया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। खाने में जहर। अच्छा, आप लोग जब खाना खाने जा रहे थे तब संकेत जिंदा था और उसने खाना खाने से मना कर दिया आप लोगों के साथ? जी सर। बात बताइए, ये संकेत के खाने का डब्बा कहाँ से आता था? सर उसके घर से। घर से? अच्छा, संकेत के घर में कौन कौन है, कुछ पता है आप लोगों को? सर उसकी वाइफ है मेघा। उनकी बीवी मेघा खाना बनाती थी या कोई खाना बनाने वाली भाई है घर में? सर जहाँ तक हम जानते हैं मेघा ही खाना बनाती है। मेघा? अच्छा, क्या खाने का डब्बा संकेत खुद लेकर आता था या बाद में कोई लेके आता था? डब्बे वाला लेकर आता था। डब्बा वाला लेके आता था। अच्छा एक सवाल, देखो अगर आप लोग कुछ बता सकते हैं तो, इन दोनों पति पत्नी के बीच में संबंध कैसे थे? सर संकेत खुश नहीं था शादी से, उनकी बातों से लगता था उनके बीच बहुत झगड़े होते थे। वैसे तो पति पत्नी के बीच में झगड़े तो होते ही रहते हैं। दया, अच्छा किन दोनों के बीच झगड़ा इतना बड़ा था कि पत्नी अपने पति को जहर दे दे, जान से मार दे, या फिर कुछ और? ये आदमी तो खाना खाते ही मर गया। बाकी के लोगों ने अपना खाने का डब्बा खोला और खाना खाया तब तक ही मर चुका था। मतलब 15-20 मिनट में इसका खेल खत्म। हाँ बॉस, अब खाने के साथ जहर भी खाएगा तो आदमी ऊपर ही जाएगा ना बॉस। लेकिन जहर का असर इतनी जल्दी? कोई नया टाइप का जहर है क्या? नया जहर है, पेट्रियम कोबो ट्राइनाइट्रेट। ये कौन है? कौन ये? नया साइंटिस्ट है, ट्रायल पर रखा है, लेकिन कमाल का इंटेलिजेंट है। वो तो देख ही रहा है। अभिजीत, इसी ने पता लगाया इस जहर के बारे में। अच्छा, मुझे लगा कि तारिका जी ने टेस्ट किया है। नहीं नहीं, तारिका उसकी मदद कर रही है। अच्छा, लेकिन सर बिना आपसे पूछे कोई नया बंदा फॉरेंसिक में आ कैसे सकता है? सर ट्रायल पर रखा भाई, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो बुलाओ उसे। बुला। बुलाइए। वैभव, कम हियर। यस सर। वैभव सर से मिलो, एसीपी प्रद्युमन। इन्हें बटा के रखो, तुम्हारी नौकरी पक्की है। बटाने वटाने की बात छोड़ो, ठीक ठाक काम करो, समझे? हाँ, अगर आदमी काबिल होगा तो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। वैभव, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। हेलो सर। हेलो सर। यह है संकेत की वाइफ मेघा। नमस्ते सर। मेघा जी, किसने किसने मारा आपको, बताइए। क्या आपके पति ने मारा आपको? छोड़िए ना सर,
ये तो रोज होता रहता है। सर, सुना है किसी ने इन्हें जहर दे दिया? हाँ, खाने में जहर मिलाया किसी ने। खाने में? पर खाने में किसने मिलाया होगा सर? मेघा जी, खाना तो पति के लिए आप ही ने पकाया था, है ना? फिर वही खाना आपने उनके खाने के डब्बे में भी रखा, फिर वो डब्बा आपने डब्बे वाले के पास दिया, जो डब्बा पति के ऑफिस में गया, फिर आपके पति ने उस डब्बे में से खाना निकाला और खा गया, है ना? फिर भी आप हमसे पूछ रही हैं कि किसने डाला जहर? आपका मतलब है कि जहर मैंने मिलाया? तो और कौन मिला सकता है मेघा जी, आप ही बताइए। खाना तो डब्बे वाला लेके गया था सर, हो सकता है रास्ते में उसने मिला दिया हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचिए भी मत, ऐसा बोलिए भी मत, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। पर क्यों नहीं हो सकता है सर? वो इसलिए नहीं हो सकता मेघा जी, क्योंकि मुंबई के डब्बे वाले 100 साल से हर ऑफिस में, हर फैक्ट्री में खाना पहुंचाते हैं लोगों के लिए। उनके लिए धर्म का काम ही, लोगों को खाना खिलाना मतलब पुण्य कमाने जैसी बात है उनके लिए। और इन 100 साल में उन पर ना किसी ने शक किया, ना किसी ने कुछ इल्जाम लगाया है। डब्बे वाला कभी किसी का डब्बा नहीं खोलेगा, फिर चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली। हो सकता है किसी ने पैसे दिए हो उसे ऐसा करने के लिए। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं हो सकता, मुंबई का डब्बे वाला ऐसा कभी नहीं कर सकता। That's final, बस। देखिए मेघा जी, आपके और आपके पति के बीच झगड़े होते थे, वो आपको मारता भी था, उसकी निशानी अभी भी आपके चेहरे पे है। खाना आपने बनाया, ऑफिस में इन्होंने खाया और इनकी मौत हो गई। तो सर आप ऑफिस में जाके पूछिए ना कोई लड़की आपको जरूर मिलेगी सर, जिसके साथ मेरे हस्बैंड की दोस्ती थी, जिसकी वजह से वो मुझे रोज झगड़ा करते थे। सर, हमें डब्बे वालों से एक बार पूछताछ तो करनी पड़ेगी सर, कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा। सर वो डब्बा यूनियन के लोग आ गए। कृपया लक्षात घ्या, जर आपल्याला कुठेही कोणतीही अपरिचित किंवा संशयास्पद वस्तू दिसली तर त्या वस्तूला हात लावू नये। नमस्कार प्रद्युम्न साहब, आज आमच्याकडे तुम्हाला माहीतच आहे किरणराव एक खून झालाय। हो माहीत आहे, पण ज्यांनी केला त्यांना विचारा। डब्बे में खाना किसने रखा सर? हमने रखा क्या? हे बघा, आम्हाला माहीत आहे की डब्यात त्यांच्या बायकोनेच जेवण ठेवलं होतं, लेकिन वो अपने पति को क्यों मारेगी? सर हम क्यों खून करेंगे उसके हस्बैंड का? किरण राव हम तो कह ही नहीं रहे कि तुम में से किसी ने किया है। सर मैं इतने कैसे लाले इंक्वायरी करायला? देखो किरण जी, ऐसा है खून तो हुआ है, अब किसी ने तो खाने में जहर मिलाया है ना। सर तुम्ही ऐकले का आजपर्यंत असं कधी इकडला डबा तिकडे गेला? सर असं कधी झालंच नाही आणि याच्या पुढेही होणार नाही। नाही सर, असं होणारच नाही, कधीच नाही। आम्हाला माहित आहे, हम जानते हैं कि ऐसे कभी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी जहर तो गया है ना डब्बे में। ऐसा भी तो हो सकता है कि डब्बे वाले का ध्यान थोड़ी देर के लिए इधर उधर चला गया, कोई आदमी आया उसने डब्बा खोला और डब्बे में जहर मिला दिया। जब तक डब्बे वाले के हाथ में डब्बा है उस डब्बे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई डब्बे को हाथ नहीं लगा सकता, डब्बे को खोल नहीं सकता, तो फिर ये जहर अंदर गया कैसे? सर हमारा क्या माहिती साहब, एक सांगो। बोला। सर उस औरत को पूछिए, उसने अपने पति के खाने में जहर मिलाया होगा। ये चांगला है, बायको संदे डब्बे वाले ने विचारा, डब्बे वाले कहते कि पत्नी से पूछो। अच्छा ठीक है, डब्बा घर से कौन लेकर आया? मैं रमेश, मैंने लिया डब्बा। फिर क्या, ट्रेन में सारा टाइम डब्बे पे ध्यान रहता है मेरा। ऑफिस कौन लेके गया था? पक्या प्रकाश लेके गया था डब्बा। प्रकाश कहाँ है, बुलाओ सर, बुलाओ जरा जल्दी। वो वापस आया ही नहीं। हाँ साहब, वो वापस नहीं आया। प्रकाश वापस आया ही नहीं, यही पे गड़बड़ है अभिजी, प्रकाश ही गड़बड़ है। अरे तो फोन करो ना उसको, जरा वापस फोन लगाओ उसको। फोन लगा तो उछलत नहीं, मैं क्या करूँ।
स्विस्टॉप बंद आहे फोन त्याचा. हां पण साहेब त्याचा 2-3 तासापूर्वी म्हणजे 2-3 घंटे पहिले फोन आया था. फोन पक्या का फोन आया था. वो बोल रहा था कि डब्बा बच्चा पर ट्रेन की आवाज में कुछ सुनाई नहीं है साहब. गड़बड़ है अभिजी. प्रकाश की गड़बड़ है. किरण राव गड़बड़ी थे से. हेलो क्या? अच्छा ठीक है हम लोग देखते हैं. क्या सर? बैड न्यूज. क्या? एक फोन और हो गया बिल्कुल ऐसे ही. ऐसे ही का मतलब? डब्बे में जहर है. घर से जो खाना आया था उसमें जहर था. मेरे हस्बैंड इतने शरीफ आदमी थे कि चीटी तक नहीं मार सकते थे. वो किसने खिला दिया उन्हें जहर? हम लोग वही पता लगाने में लगे हुए हैं. देखिए आपके डब्बे के खाने में क्या क्या था मैंने उसकी लिस्ट बनाई है. अब क्या फायदा सर? फायदा तो कोई नहीं पर फिर भी पता चल सकता है कि जहर किस चीज में था. सर मैं ही बता देती हूँ कि मैंने भाजी में क्या क्या डाला था. ठीक है बताइए. सर जीरा मेथी हल्दी जीरा पाउडर धनिया पाउडर साबुत लाल मिर्च हरी मिर्च थोड़ा ऑरिगानो और अमचूर और गरम मसाला सर. और सब बता दिया सर. और कुछ नहीं. आपने अदरक का नाम नहीं लिया? अदरक? आपके डब्बे के खाने में जो सब्जी थी उसमें अदरक भी था. पर सर ऐसा हो नहीं सकता. अदरक मेरे घर में आता ही नहीं है. मेरे हस्बैंड को तो एलर्जी है अदरक से. तो फिर अदरक डब्बे में आया कहाँ से? आपने अदरक नहीं डाला? नहीं सर बिल्कुल नहीं. लेकिन आपके पति के डब्बे की सब्जी में अदरक है. सर लेकिन ये मेरी भाजी नहीं है. मैं देख के बता सकती हूँ कि ये भाजी मेरी नहीं है सर. सलोनी इनके घर से जो भाजी लाई है उधर दिखा. एक मिनट. ये देख. सर ये मेरी भाजी है. ये मैंने बनाई है भाजी. सर आप इसे जाके चेक कराइए और देखिए इसमें अदरक है या नहीं. ओके ठीक है. मालूम है सर किसी ने भाजी बना दी. देखा ना नहीं मिला सर. इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा प्लान है. आशिया कोई तो है जो जानता था कि नताशा अपने पति के लिए कौन सी सब्जी भेजने वाली थी. सर समझ में नहीं आ रहा ये क्या चक्कर है. दो अलग अलग लोग दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे. कोई संबंध नहीं था दोनों के बीच में. फिर भी दोनों की मौत एक ही तरीके से खाने के डब्बे में जहर. श्रेया मगर एक बात तो पक्की है कि जो कुछ भी हुआ है ना डब्बे वालों के सामने नहीं हुआ है. कहीं और हुआ है. कहीं और. मगर सर हुआ कहाँ होगा? 2-3 मिनट तो लगे होंगे ये सब करने में. किसी न किसी ने तो देखा होगा सर. अरे तारिका कितनी देर लगाई लंच करने में? सर जरा शॉपिंग के लिए चले गए थे. वैभव तभी हमारे साथ भी आई है लंच पे. टाइम है आपके पास? कभी पूछा है आपने? पूछो तो सही. सर
सर ये हैं सौरभ के ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड, डब्बे वाले के बाद इन्होंने ही वो खाना सौरभ जी तक पहुंचाया था। क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम अशोक है। कैसे हुआ ये सब? साहब मैंने किसी डिब्बे का खाना नहीं बदला था, मुझ पर विश्वास कीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। पिछले कई महीनों से साहब को खाना मैं ही देते आ रहा हूँ और उस दिन भी डब्बा मैंने ही दिया था साहब। मैं कुछ नहीं किया, मैं आपके हाथ छोड़ दूँ साहब, पाँव पड़ दूँ आपको, मुझे जाने दीजिए साहब, जाने दीजिए। ठीक है अशोक, जाओ तुम, अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। हाँ जाओ। सर पता लगा है कि सौरभ और संकेत का ट्रांसफर क्यू वॉइस कॉल सेंटर के अलग अलग ब्रांच में हुआ है सर, और दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है, और एक तीसरा आदमी भी है जिनका ट्रांसफर इनके साथ ही हुआ अलग ब्रांच में, और वो बिल्कुल ठीक है सर, विक्रम नाम है उसका। विक्रम? सर कहीं खूनी का अगला शिकार ये विक्रम तो नहीं? सर अगर अगला शिकार विक्रम है तो उसे मारने का तरीका भी यही हो सकता है। यही हो सकता है नहीं पूर्वी, मारने का तरीका यही होगा, यही होगा तरीका, खाने में जहर। पता लगाना पड़ेगा कि विक्रम क्या खाना बाहर खाता है या फिर उसका भी खाने का डब्बा आता है। आधे सब डिब्बे कलेक्ट कर लिया, अब मेरे हाथ में ही है। हाँ बस बस सीधा यहां से स्टेशन ही पहुंच रहा हूं। हाँ ओके ओके ओके। गांधी वाली का डब्बा, ये विक्रम का डब्बा है। अरे कन्या गाड़ी का टाइम चला है, मंगे गुंडा रे गाड़ी की बेटा, गुंडा आठ का लोग चला। मी तुला शोधतोय कधी पासून, चल 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 उशीर होतोय, ट्रेन सुटणार, ये चला चला ट्रेनचं टायमिंग झालं, चला ए बाजू ए डबे घ्या डबे घ्या, मी तर मोक्यावर चौका मारायला बसले कुस्ते, चला घ्या डबे घ्या 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 घ्या, चला निघाली चला ए भाऊ, चला तुम्ही आत बाजूला बा, बाजूला बा, चला ए चला 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 चला। देखो भाव कैसे काम करते हम, वाकई में बहुत मेहनत है। हाँ और इतनी कड़ी धूप में ये डिब्बे पहुंचाना, इतने दादर चढ़ना, हाँ लेकिन सब भरोसा इस पे साइकिल पे। हाँ बहुत ईमानदार है अपने से,
इसके बिना तो अपना धंधा ही चौपट है। भाव, दो मिनट तुम इधर रुको, ये अपने तीन डब्बे पहुंचा के आता हूँ। हाँ, लोकर लोकर आलोच आया आया। सॉरी भाव, आपको धूप में खड़ा किया, काम ही ऐसा है। चलो आपने डब्बे ले लो, चलो आओ, हम एकदम ईमानदारी से काम करते हैं। आपने खाली पीने हम पे शक किया। जामड़ा डब्बा खेवा। हाँ शाबाश, आराम से घाई नहीं है, पहला दिन है, आराम से आ। चलो चलो ये तो भाव, चलो। सर टिफिन। हाँ रख दो। थैंक यू सर। हाँ नहीं यार यार, और भाव करेड़ा कहाँ, लफड़ा किधर है, कुछ समझा? नहीं रमेश, अभी तक तो कोई लफड़ा दिखाई नहीं दिया। भाव, ट्रेन से उतर के प्लेटफॉर्म से हम सीधा इधर ही चाहे ना? नहीं रमेश, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जब हम लोग यहाँ आए थे इस बिल्डिंग में, उस वक्त एक बच्चा यहाँ पे आके गिर गया। क्या हो गया? अरे अरे, क्या हुआ? हाँ गिर गए आप? अरे अरे सुना, ओ भाव 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 भाव, ये ऑफिस, ये स्कूल का बच्चा यहाँ कैसे? और आजू बाजू तो स्कूल भी नहीं है, और चालवाल भी नहीं है, रेसिडेंशियल नहीं है। विक्रम की जान को खतरा हो सकता है, चलो। विक्रम जी का कैबिन क्या? क्या 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 बात है? अरे ये सब बता नहीं सकता, विक्रम जी का कैबिन क्या? जल्दी ले जाना, उठा उठा, जल्दी जल्दी आराम से रखो। विक्रम विक्रम सोना नहीं, होश में आ। डॉक्टर मैं बाहर देखता हूँ, नाके पे देखता हूँ। क्या बात है? शायद खाने में जहर था, इतने खाने खा लिए। रमेश का टैक्सी लाने के लिए जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। टैक्सी भी नहीं, देख ये बाइक 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 आ रही है। ओ भाई साहब, विक्रम एक मिनट, हम लोग सीआईडी से, हमें आपकी बाइक चाहिए, चले। अभी तक विक्रम को अटेंड कर रहा है, मामला लंबा हो गया लगता है। हमशीद, अगर विक्रम को कुछ हो गया ना तो बहुत बोझ रहेगा मेरे मन में, अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भाव, इसमें आपकी क्या गलती है? डॉक्टर साहब कैसा है विक्रम की हालत? ठीक है? ठीक है, तीन चार घंटे में होश आ जाएगा, जहर निकाल दिया मैंने। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। थैंक गॉड, अब जाके जाने जाना है।
जेव्हा पांडुरंगा वाचून असले बाबा तुझीच कृपा रे जेव्हा. यार अब सोचना ये है कि ये डब्बा बदला किसने. मैं जानता हूं इसका जवाब कौन देगा. कौन? वो छोटा बच्चा है जिसने जेपीएस स्कूल का यूनिफॉर्म पहना था. वही बताएगा. टेस्टी है ना? पसंद आया? अच्छा है सियाली अंकल. खाओ खाओ. अच्छा बेटा ये बताओ कि वहाँ उस ऑफिस में किसी को जानते हो तुम? कोई जान पहचान वाला है वहाँ पे ऑफिस में? कोई नहीं. तो फिर तुम वहाँ ऑफिस के पास क्या करने गए थे? तो मेरी मम्मी है ना, वो मेरे को लेके गए थे और मेरे को कहीं छोड़ के गायब हो गए. गायब हो गए? हाँ, इससे पहले भी दो अलग अलग ऑफिस के बाहर मुझको छोड़ के चले गए थी. इसका मतलब संकेत और सौरभ वाले केस में सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाया गया था. आपकी मम्मी कहाँ है सर? रुको रुको, अंदर का भागी जा रही हो. मुझे और साहब से मिला अंदर. कौन से साहब से मिला? नाम क्या? अरे सुन, किधर है साहब? बुलाओ साहब को. और जिसकी सफेद कार है बुलाओ साहब को. किधर है साहब? बुलाओ उसको. क्या हुआ, किससे मिलना? यहाँ सफेद कार वाले बहुत हैं, आपको किससे मिलना? अरे वही वही जिसके गाड़ी के पिछली सीट पे वो कुत्ता है, खिलौने वाला कुत्ता, वो वाले साहब को बुलाओ जल्दी. क्या काम है उनसे, क्यों मिलना? उस साहब ने खून किया है. खून? जिसका डब्बा आता था. डब्बा आता था? डब्बा शायद वो संकेत की बात कर रही है. यही यही वो साहब ने इसका खून किया. क्या बेकार की बातें कर रहे हो यार? क्या हो रहा है सब? कौन है? ऑफिस में इतना चिल्लाना कौन है? क्या क्या हो रहा है सर? देखिए ना, ये औरत आपसे मिलना चाहती है और बेकार की बातें कर रही है. तूने मेरे को पैसा दिया ना, बोला डब्बे वाले का ध्यान रखा. तूने ऐसा क्यों नहीं बोला कि तू उसको मारने वाला है? मैं? क्या कह रही है? तूने मारा उस आदमी को और मुझे फंसा दिया. मेरे पीछे पुलिस पड़ी है. मैं पुलिस को अपना बताएगी. क्या बकवास कर रही है? क्या सर? बकवास नहीं, सच बोल रही है ये. हाँ साहब, यही है वो आदमी साहब. ये लीजिए आपका बेटा. बताओ बताओ क्यों मारा तुमने? क्यों मारा तुमने दोनों को? सर ये औरत झूठ बोल रही है. सर मैं इस औरत को जानता ही नहीं और ना ही मैंने किसी का खून किया सर. ये ऐसे नहीं बताएगा सर. सर मेरी बात भी यकीन कर. सर ये औरत झूठ बोल रही है, जरूर इससे कोई गलतफहमी होगी सर. नहीं सर, कोई गलती नहीं, यही है वो सफेद गाड़ी वाला आदमी. आपने उसका चेहरा देखा था? नहीं सर, चेहरा नहीं देखा, लेकिन गाड़ी और हाथ देखा था सर. तो फिर कौन? अगर इसने खून नहीं किया तो फिर किसने? सर मैं जानता हूं खून किसने किया. क्या हुआ पापा? सर, काबिल इंसान को अगर उसका हक ना मिले तो उसे क्या करना चाहिए? चुप! क्या करना चाहिए? सीधी सीधी बात कर. संकेत,
विक्रम और सौरभ आज जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे मेरे डैड का हक है। ये कंपनी उन्होंने अपने पसीने और मेहनत से बनाई है पूरे 35 साल तक। ये लोग अभी 6 महीने पहले आए और इन्हें मेरे डैड का बॉस बना दिया। क्यों? क्योंकि इनके पास MBA की डिग्री है और इसलिए तुमने उन दोनों का खून कर दिया। क्या नाज है तेरे? पैसों की बहुत जरूरत थी, बहनों की शादी करनी थी, क्या करता मैं? अपने पिता की सलाह लेता, समझे? अगर खून नहीं करता, तुम्हारी इन करतूतों की वजह से तुमने अपने पिताजी को और अपनी बहनों को भी इस दुनिया की नजरों में शर्मिंदा कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि सौरभ की बीवी ने क्या भेजा था लंच बॉक्स में? काले और सौरभ की बीवी नताशा दोनों अच्छी दोस्त थी, मैंने इसी बात का फायदा उठाया। अरे काम करना, पूछना वो कल क्या बना के ला रही है। क्यों? अरे अगर कुछ स्पेशल बना के ला रही होगी थोड़ा ज्यादा मंगवा लियो, मुझे भी खाने को मिल जाएगा यार। अब रोने से कोई फायदा नहीं, समझे? दो दो खून किए तुमने, दो दो खून, तुम्हें तो फांसी होकर ही रहेगी। बताओ प्रकाश को कहां छुपा के रखा है तुमने? सर प्रकाश को मैंने, धन्यवाद साहब, तुम्हें मला वाचवलं लागते। प्रकाश एक बात बताओ, तुम जैसा हट्टा कट्टा आदमी उन लोगों के कब्जे में गया कैसे? काय सांगू साहेब, त्या दिवशी मी संकेत साहेबांचा डबा ऑफिस मध्ये दिला आणि खाली आलो। हाँ साहब, हाँ जैसा आपने बोला था ना वैसा किया, वो डब्बा बदल दिया बच्चे के सारे। साहब कोई लफड़ा तो नहीं है ना? हाँ हाँ कौन बात कर रहा था यहाँ? बच्चा डब्बा, आप क्या बोल? अरे इथे कोणतरी बाई आणि एक मुलाला पाठवून डब्बा डब्बा काहीतरी बोला। हॅलो काय डब्बा? हॅलो काय? हॅलो 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 हेलो, हाँ डब्बा इधर चाहिए। और सर जैसे मैं वहाँ गया मुझे पता चल गया कि मुझे फंसाया गया है। किरण राव, आप सब हमारे मुंबई के डब्बे वाले, इतना बढ़िया काम करते हो, लाखों लोगों का खाने का डिब्बा पहुँचाते हो फैक्ट्रीज में ऑफिसेज में, ये सब पुण्य का काम है और सच बोलूं तो हम सब आप पर गर्व करते हैं। लाजो तो ही तुम भी अमल है। वैसे हम लोगों को थोड़ा शक तो हुआ था, मगर इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, सॉरी। काय सॉरी बारी उगत काय म्हणतात ते, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। देखिए आप लोगों ने CID की मदद की, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आओ आम्हीच तुम्हाला थैंक यू म्हणायला पाहिजे होतं, आमच्या आबरूचं खोबरं होतं होतं वाचवलं तुम्ही। CID थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.